सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामले में अरेस्ट हुई रिया चक्रवर्ती को मुंबई की भाईखला जेल में हाल ही में शिफ्ट किया गया है। इस जेल में रिया को अलग बैरिक दिया गया। जेल मैनुअल के मुताबिक नए कैदी को अस्थायी तौर पर जो बैरिक दिया जाता है उसे क्वारंटीन बैरिक कहते हैं। अगर रिया को जमानत नहीं मिलती है तो उन्हें परमानेंट बैरिक दिया जाएगा। आइए जानते हैं कैसा होता है ये बैरिक और क्या क्या सुविधाएं इसमें मिलती हैं कैदी को। ये बैरिक 10x10 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 का होता है। इसमें बाथरूम अटैच रहता है। पीने के पानी की व्यवस्था मग या मटके में करके रखी जाती है। कमरे में एक सीलिंग फैन होता है। बैरिक में एक तकिया, एक चटाई, उस पर बिछाने के लिए एक बिस्तर, ओढ़ने के लिए एक चादर होती है। कैदी को खुद ही ज़मीन पर अपना बिस्तर लगाना होता है। कैदी को हमेशा जेल का ही खाना मिलता है, लेकिन विचाराधीन कैदी को घर का खाना भी मिल सकता है। एनसीबी के लॉकअप में भी रिया के लिए यही व्यवस्था थी। आइए देखते हैं क्या कहते हैं रिया पर लगाए गए सेक्शंस। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया को सेक्शन 8C 20B 27A 28 और 29 NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। इनमें से 8C प्रतिबंधित ड्रग्स को गैर कानूनी तरीके से खरीदने और इसके इस्तेमाल करने पर लगाया जाता है, जो रिया के केस में साबित हो चुका है। वो ड्रग्स खरीदती थी और इसके लिए सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और उनके भाई शोविक का इस्तेमाल करती थी। इस सेक्शन के तहत उन्हें कम से कम 10 साल की सज़ा हो सकती है। सेक्शन 20B में गांजे के ट्रांसपोर्टेशन करने से जुड़ा है ये सेक्शन, लेकिन इसमें जमानत मिल सकती है। सेक्शन 27 से सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि रिया के गले की हड्डी बन गया है। इसके तहत ना तो एनसीबी की कोर्ट से जमानत मिली है, ना ही सेशन कोर्ट से राहत मिलती दिख रही है। ये किसी भी आरोपी द्वारा ड्रग्स या नशीला पदार्थ अपने पास रखने, बेचने और इसके लिए फाइनेंस मुहैया कराने पर लगाया है। इसके तहत आरोपी को 10 साल तक की सजा हो सकती है। सेक्शन 28 आपराधिक कृत्य गैर कानूनी कार्य से जुड़ा है, जबकि सेक्शन 29 आपराधिक साजिश रचने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कनिष्का शर्मा।